स्टार्ट स्टॉप इंजन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत इल्यूमिनेशन के साथ जो है आपका 12.3 इंच का फुली डिजिटल डिस्प्ले जो है आपके सामने शो हो रहा है। Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. This is Mohsin and you are watching Riding Wheels. So guys, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है Hyundai Sonata 2021. I got the opportunity to show you the all new Hyundai Sonata. All thanks to Hyundai Central. This is the 8th gen और आपको इसका मैं वॉक अराउंड लुक भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की, जो कि काफ़ी खूबसूरत और बोल्ड लुक इसको दे रहा है। और सबसे मज़े की जो बात है दैट दिस इज़ वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करंट जनरेशन जो है पूरी दुनिया में आपको ये मॉडल जो है वो नज़र आएगा। एंड Hyundai ने भी यही 8th जेन करंट लेटेस्ट जनरेशन मॉडल आपको इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे 2021 पाकिस्तान में। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग टू हिट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और ये जो है स्ट्रेट कम्पिटिटर है कैमरे कह लें या होंडा अकॉर्ड कह लें। एंड और मैं अगर जहाँ तक मैं बात करूँ लोकली असेंबल CKD जो है ये मिड साइज स्टान है जो कि पूरी टक्कर देगी। और गाड़ी की जो लुक है ना गाइस, यकीन करें कि बहुत ही खूबसूरत और अग्रेसिव लुक है और क्वालिटी टॉप नॉच। गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गाड़ी की अगर की बात करें तो आपको यहाँ पे स्मार्ट की दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट है। यहाँ पे आपको देखिएगा लॉक अनलॉक आपका टेल गेट ओपनर का बटन मिल जाता है और यहाँ पे ये बटन ऑयल का दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा गाइज, अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी एलिगेंट और स्लीक है और वाइड बॉडी इसकी शेप जो है आ रही है। सेंटर में अगर आप देखें तो आपको इसकी जो है हेक्सागोनल स्टाइल में जो है ग्रिल मिल जाती है जिसके ऊपर क्रोम में आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है और क्रोम गार्निशिंग इसके बम्पर के ऊपर आपको नज़र आती है। नीचे की तरफ आपका आप इसका स्प्लिटर देखें तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है, ब्लैक ग्लोसी स्टाइल में है और विद क्रोम गार्निशिंग ऑन इट, दैट इज़ लुक क्वाइट ब्यूटीफुल। अगर आप साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं फॉर एरोडायनामिक्स। और अगर आप इसकी लाइट्स की बात करें तो ये इस गाड़ी का एक एब्सोल्युटली इंस्टिंक्टिव फीचर है जो कि गाड़ी का आप देखें कि ये DRL जो है गाड़ी के बोनट के ऊपर से होता हुआ आपकी LED हेडलाइट्स के साथ मैच कर रहा है जो कि इसको बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है और अग्रेसिव एट द सेम टाइम। टेट्रा LED हेडलाइट्स हैं, डे टाइम रनिंग लाइट ये आप देख सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट पे आपको जो है 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी नीड है स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ की ट्रैफिक बहुत है। ये आपको जो है टो हुक का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पे अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये आप साइड प्रोफाइल गाड़ी का देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको जो टायर दिया गया है वो डायमंड कट में है, ड्यूल टोन में आपको सिल्वर और डार्क ग्रे में फायरली का आपको टायर मिल जाता है इम्पोर्टेड। और काफ़ी अग्रेसिव जो है ना इसके व्हील की भी लुक है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको ब्लैक ग्लोस में आपको आई थिंक हार्ड प्लास्टिक की जो है वो आपको साइड स्कर्ट दी गई है जो कि गाड़ी की फीचर्स में ऐड कर रही है, इसको एलिगेंट लुक दे रही है ओवरऑल, ये आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको LED टर्न सिग्नल्स के साथ रिट्रैक्टेबल मिरर्स दिए गए हैं विद ब्लैक ग्लोस एंड वाइट फिनिश। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के साथ लॉक अनलॉक डोर्स मिल जाते हैं स्मार्ट की एंट्री के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी में क्रोम की गार्निशिंग दी गई है थ्रू आउट द डोर पैनल्स, यू कैन सी दैट। ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो काफ़ी बोल्ड है और आप इसके करेक्टर लाइन्स भी देख सकते हैं साइड से। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है और बैक साइड पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और ऑन द रियर विंडो रियर विंड स्क्रीन आपको बैक LED लैंप मिल जाता है।
अच्छा गाइज, अगर गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो बैक इसकी काफ़ी स्लीक और एलिगेंट है। यहाँ पे आपको टेल गेट LED लाइट मिलती है जो कि आपके राइट और लेफ्ट साइड पे टेल लैम्प्स के साथ जो है मैच कर रही है, जो कि काफ़ी इसको खूबसूरत और इंस्टिंक्टिव लुक दे रही है। यू कैन सी दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको सोनाटा की प्राउडली बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे हुंडई का एम्बलम है। यू कैन सी दैट बैक पे आपको यहाँ पे रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है, जो कि ब्यूटीफुली एम्बॉस किया गया है इन द टेल गेट, और स्पॉयलर भी आप इसे कह सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो स्प्लिटर दिया गया है वो भी क्रोम गार्निशिंग और इसके आपको ब्लैक ग्लोस टच के साथ मिलता है, विद साइड बम्पर रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स लाइट्स। यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिलती हैं आपकी नंबर प्लेट डिस्प्ले के लिए, यू कैन सी दैट। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस भी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा गाइस, यहाँ पे आपको जो इसका टेल गेट दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, आप इसको रिमोट से भी, गाड़ी के की से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे लांट्रा की तरह हिडन बटन है, आप अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है टेल गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो इसकी बूट स्पेस है वो काफ़ी स्पेशियस है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो मेरे जैसे 2 बंदे लेट सकते हैं इजीली, चिल सीन है यहाँ पे, मतलब काफ़ी ओपन वाइड स्पेस है इसकी ट्रंक की। यहाँ पे आप देखें तो इसको आप पुल करके 60-40 स्प्लिटर के साथ जो सीट्स आपको मिलती हैं वो भी आप स्पेस बना सकते हैं इनको पुल करके, और ये भी एक बड़ा गुड सीन हो जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे भी आपको जो एक अच्छी चीज़ है वो इसमें पैडिंग एम्बॉस की गई। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है। अच्छा गाइस, गाड़ी का बैक डोर आपको ओपन करके मैं इसकी लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखें तो फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है कर्टन भी मिल जाता है, विंडो कर्टन जो आपके पास है। अगर आप इसके डोर को देखें तो काफ़ी स्लीक और एलिगेंट लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग दी गई है थ्रू आउट द हैंडल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट लेदर की पैडिंग दी गई है। ओवरऑल डोर की जो पैडिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट और प्रीमियम है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे आपका बोतल होल्डर, कप होल्डर आप इसे कह सकते हैं, ये आ जाता है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक की सिल प्लेट मिल जाती हैं। गाड़ी की बैक साइड की सीट्स आप देख सकते हैं, कैमल इसका इंटीरियर है, कैमल, और काफ़ी खूबसूरत है विद ब्लैक या डार्क ग्रे आप इसको कह लें। ड्यूल टोन इसका इंटीरियर है ओवरऑल गाड़ी का, जो कि काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी यूनिक और स्लीक सा स्टाइल है, नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन हेयर, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप इसकी जो है बैक लेग रूम स्पेस देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। ये आप देख सकते हैं सीट पूरी पीछे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बैक पे 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, और नीचे की तरफ आपको जो है चार्जिंग आपका USB सॉकेट भी मिल जाती है। यहाँ पे यू कैन सी दैट, यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। अच्छा गाइस, गाड़ी में आपको जो है साइड विंडो कर्टन के अलावा जो है आपको रियर विंडो कर्टन भी ऑटोमेटिक मिल जाता है, जिसका बटन यहाँ पर आपको सामने कंसोल पर दिया गया। अच्छा गाइस, अगर गाड़ी के फ्रंट डोर के पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है फ्रंट पैनल जो है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सॉफ्ट पैडिंग में कैमल इंटीरियर जो है इसका दिया गया है, सॉफ्ट पैडिंग है इसकी ओवरऑल डोर की। यहाँ पे आपको सिल्वर जो है क्रोम में इसकी जो है आउटलाइन गार्निशिंग मिल जाती है डोर में, और यहाँ पर आपके मास्टर कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इनकी जो लुक है और जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी एलिगेंट और प्रीमियम है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे आपको जो है आपका कप होल्डर की ऑप्शन मिल जाती है, और गाड़ी में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। अगर इसके यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पे आपकी एंट्रेंस पे आपको सोनाटा की सिल प्लेट मिल जाती है। गाड़ी की अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 10-way इलेक्ट्रॉनिक पावर विद लंबर स्पोर्ट जो है एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड पे जो है 10-way एडजस्टेबल है, एंड ऑन द अदर साइड पैसेंजर साइड पे आपको 4-way इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्लस्टर मीटर की आपको ब्राइटनेस की ऑप्शन मिल जाती है, प्लस करेंगे तो ये ऑब्वियसली ब्राइट होगा मैक्स पे, और माइनस करेंगे तो नीचे। यहाँ पर आपको पुल करेंगे तो ये आपका ट्रंक लिड ओपनर, यहाँ पर ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ट्रंक का बटन दिया गया है। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ Hyundai Sonata 2021 इंटीरियर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अब अगर इसके फीचर्स और इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया है,
और लेदर स्टीयरिंग है जो कि काफी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको क्रोम की जो है आउटलाइन मिल जाती है जो कि काफी एलिगेंट लुक दे रही है स्टीयरिंग को। ओवरऑल काफी फ्यूचरिस्टिक इसकी जो लुक है। ऑन राइट साइड आपको जो है आपके क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस दी गई हैं, बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। और ऑन द लेफ्ट साइड यू गॉट योर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। गाड़ी के स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग फीचर है, आई थिंक सो। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है कैमल में जो है इसकी पैडिंग मिल जाती है विद क्रोम गार्निशिंग जो कि गाड़ी को एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव लुक देती है। ओवरऑल इसका इंटीरियर जो है वो ड्यूल टोन है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे आप देखें तो क्रोम आउटलाइन जा रही है जो कि गाड़ी को एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे रही है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दो यूएसबी सॉकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको 12 वॉट का पावर अडॉप्टर दिया गया है, सॉकेट चार्जर। यहाँ पे साइड पे देखें तो ये एक बहुत ही कमाल चीज है जो कि गाड़ियों में देनी चाहिए, ये है जी आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए जो कि काफी अच्छा फीचर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल देखें जो कि काफी इन्होंने खूबसूरती से दिया गया है। यहाँ पे आपको मैश ब्राउन स्टाइल में जो है इसकी टेक्सचर दिया गया है विद सिल्वर आउटलाइन ऑन इट। और यहाँ पे ये जो सेंटर कंसोल है ये तो बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक है, ग्लोसी पैनल है, सिल्वर इसके बटन्स हैं जो कि काफी एक गाड़ी को प्रीमियम लुक देते हैं। RNDP पार्किंग, और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स का बटन मिल जाता है, ये आपका रियर व्यू कैमरा मिल जाता है आपको। यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं गाड़ी में, आपको 5 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट, स्मार्ट और कम्फर्ट और नॉर्मल। यहाँ पे ऑटो होल्ड आपको बटन दिया गया है। अगर आप इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट काफ़ी स्लीक और काफ़ी लॉन्ग है, जी टू यूज़ है आपके लिए। और यहाँ पे आपको जो इसकी स्टोरेज स्पेस मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है, यू कैन सी दैट। अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स की जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग मिरर इसका मिल जाता है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं विद लाइट्स, यू कैन सी दैट। बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड पे आपको विद लाइट्स के आपको ये मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है सेंटर कंसोल में आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं बोथ साइड्स पे बटन्स के साथ हैं। और यहाँ पे आपको जो है आपके पैनारोमिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दैट इज़ क्वाइट नाइस। अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डिस्प्ले मिल जाता है, 8 इंच का इंफरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद मल्टी मीडिया कंट्रोल्स। ये आप देखिएगा टेंशन टू डिटेल, सिल्वर क्रोमिक बटन्स हैं इसके और काफ़ी खूबसूरत इसको एक लुक दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पैनल की जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम और क्वालिटी वाइज नो डाउट बेस्ट जॉब हुंडई। और रिगार्डिंग ये कि ये जो एक सीकेड यूनिट है तो पाकिस्तान में आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लोकली असेंबल्ड यूनिट दैट डिलीवर्स यू दिस ब्यूटी एंड दिस प्रीमियम एलिगेंट थिंग इन योर मिड साइज सेडान। तो ये आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। टिल्ट टेलीस्कोपिक की आपको ऑप्शन मिल जाती है, ये आप इसको मूव कर सकते हैं अप डाउन और अपनी तरफ एडजस्ट कर सकते हैं इसको। टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों की ऑप्शन है। राइट साइड पे आपको जो है आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड यू गॉट योर वाइपर विंडशील्ड वाइपर कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 6 टोटल एयर बैग्स मिल जाते हैं, दो के एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल जो गाड़ी का इंटीरियर है वो ड्यूल टोन है विद 6 स्पीकर्स, गाड़ी में 6 स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको जो इसकी सीट्स की कुशनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी प्रीमियम है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसकी ओवरऑल लुक इंटीरियर की देख सकते हैं ड्यूल टोन में, जो कि गाड़ी को एक काफ़ी इंस्टिंक्टिव और एलिगेंट लुक दे रही है। अच्छा तो गाइज अब मैं आपको गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्ट स्टॉप इंजन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत इल्यूमिनेशन के साथ जो है आपका 12.3 इंच का फुली डिजिटल डिस्प्ले जो है आपके सामने शो हो रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। लेफ्ट साइड पे आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर दिया गया है एंड ऑन द राइट साइड आपको गाड़ी की इंडिकेशंस वगैरह ये और फ्यूल गेज की इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। सेंटर में आपको फ्यूल एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, आपकी अदर रिलेटेड जो थिंग्स हैं उसकी वार्निंग लाइट्स और सारी चीज़ें आपको सेंटर में वो डिस्प्ले करता रहेगा टाइम टू टाइम, दैट इज़ क्वाइट नाइस। और मीटर जो है इसका वो क्लस्टर मीटर एब्सोल्युटली गॉर्जियस, और इससे पहले आई डोंट थिंक किसी भी पाकिस्तानी मिड साइज सेडान में जो कि लोकल असेंबल्ड हो उसमें आपको जो है डिजिटल डिस्प्ले दिया गया हो।
दैट इज एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक एंड आई जस्ट लव दैट फीचर। यहाँ पे आप अगर मीटर का डायल देखें तो काफी खूबसूरत और एलिगेंट है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस। और यहाँ पे सेंटर कंसोल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये इसकी लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। इंटीरियर की ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा गाइस, अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सेंटर में इसका बटन दिया गया है, जिसको आप प्रेस करते हैं तो ये हाइड्रोलिक्स के शॉक्स के ज़रिए से आपका बोनट जो है ऊपर चला जाता है। एंड यू कैन सी द इंजन, हुंडई सोनाटा 2021 कम्स विद द कैपेसिटी ऑफ 2500 सीसी इंजन दैट प्रोड्यूस 180 हॉर्स पावर एट 6000 आरपीएम एंड 232 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4000। तो ये आप इसका ओवरऑल इसकी डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से डिस्प्लेस किया गया है इसके इंजन को। एमपीआई इंजन है फ्यूल, और यहाँ पे अगर फ्रंट पे देखें तो इसकी इंसुलेशन पैडिंग दी गई है फॉर नॉइज़ कैंसलेशन, दैट इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ पे आपको इसकी बैटरीज मिल जाती हैं और ये इंजन का साउंड भी आप सुन सकते हैं, और काफ़ी क्वाइट है, मतलब इतना इंजन का साउंड नहीं है। अच्छा गाइस, हुंडई इंट्रोड्यूस टू वेरिएंट्स ऑफ दिस सोनाटा 2021 मॉडल। वन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज 2500 सीसी एंड द अदर वन इज़ 2000 सीसी इंजन। और यहाँ पे दो वेरिएंट्स आपको दिए गए हैं। अगर इसके मैं बात करूँ प्राइस की, तो जो हुंडई एलांट्रा 2.5 सीसी है इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 70,99,000। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं 2.0 सीसी इंजन वेरिएंट की बात करूं तो जो उसकी प्राइस है वो 63,99,000 है। ऑल्सो दिस कार कम्स इन 5 कलर ऑप्शंस। ये आप जो सामने देख रहे हैं दैट इज़ पोलर वाइट, एंड द अदर वन यू सी राइट देयर दैट इज़ ऑक्सफोर्ड ब्लू विद 2.0 सीसी इंजन। अच्छा गाइज, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि गाड़ी में जो हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे, देखिएगा ये हुंडई की इल्यूमिनेशन के साथ आपको हेड अप डिस्प्ले ये आपको शो कर रहा है। चेक ब्लाइंड स्पॉट बिफोर चार्जिंग, और ये आपको फ्यूल गेज और 0 किलोमीटर पर आवर ये आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का हमारा हुंडई सोनाटा 2021 का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डू गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी हिट कर सकते हैं। सो ऑल ओपन फॉर यू अनटिल अनलेस। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में किसी और गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दें, थैंक यू।